नमस्कार। एक शेर है कि दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है, दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है, हर खुदकुशी करने वाले का कोई ना कोई कातिल जरूर होता है। सुशांत सिंह की सो कॉल्ड सुसाइड यानी आत्महत्या, वो डिप्रेशन में था, मेंटली अनस्टेबल था, स्ट्रेस में था, ये था वो था। पिछले 40 दिनों में पुलिस और बॉलीवुड की एक पर्टिकुलर लॉबी और उनके सपोर्ट में कूदने वाले जर्नलिस्ट और सो कॉल्ड एक्टिविस्ट पिछले 40 दिनों से सुशांत की मौत को एक आत्महत्या साबित करने में लगे हैं, जबकि हम यानी जनता और कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये वीडियोस वगैरह डाल चुके हैं कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है, इट्स अ वेल प्लान्ड मर्डर। ये बहुत ही बारीकी से प्लान किया हुआ मर्डर है और तिल तिल करके उस बंदे को तोड़ा गया है। जस्ट बिकॉज कि आपको किसी ने पागल बोल दिया या आपकी टांग खिंचाई कर दी या आपका ह्यूमिलिएशन कर दिया, बंदा इतने से ही आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं हो जाता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती हैं जिसकी वजह से उस बंदे के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है और फिर मजबूरी में वो ये कदम उठा लेता है। तो ये जो सुशांत की सो कॉल्ड आत्महत्या है, जो कि आत्महत्या नहीं बल्कि एक बहुत ही बारीकी से प्लान किया हुआ मर्डर है, अब इस केस में ट्विस्ट आ गया है। आपको तो पता ही है कि सुशांत की फैमिली बहुत दिनों से इंतजार भी हम लोगों को था और मैंने बोला भी और आप में से भी बहुत लोगों ने बोला, यार हम कब तक बोलें जब तक सुशांत की फैमिली कुछ नहीं बोलती या इनिशिएटिव नहीं लेती। अब 40 दिनों के बाद, लंबे ये 40 दिन उन्होंने पता नहीं कैसे काटे होंगे, काफ़ी एक एक दिन एक एक साल के बराबर गुजरा होगा क्योंकि उन्होंने तो अपना बेटा खोया है। अब 40 दिनों के बाद मिस्टर सिंह यानी सुशांत के पिताजी ने FIR कर दी और ना सिर्फ FIR किए बल्कि काफ़ी बड़े वाले खुलासे किए हैं और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बहुत सारे झोल भी खुल गए हैं हम सबके सामने। ये तो हम काफ़ी दिनों से कह ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि मुंबई पुलिस एक अलग ही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट कर रही है। जाना है जापान लेकिन जा रहे हैं अफगानिस्तान, अलग ही ट्रैक पर इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन के अपूर्वा को बुलाया गया, CEO को, लेकिन करण जौहर को नहीं बुलाया गया। आप समझ सकते हैं कि पावरफुल लोगों से कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ हो नहीं रही। महेश भट्ट से भी तब इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ हुई जब पब्लिक इतना दबाव डाल रही है, पब्लिक का प्रेशर बन रहा है, तब जाकर महेश भट्ट से इन्वेस्टिगेशन हुई। अदरवाइज महेश भट्ट से तो पूछताछ का कोई सवाल ही नहीं बनता था मुंबई पुलिस की नजर में, क्योंकि वो तो पाक साफ है ना। परवीन, बॉबी, जिया, 26/11, हर जगह महेश भट्ट के लिंक थे हर इंसिडेंट में, लेकिन महेश भट्ट से ईमानदार पाक साफ इंसान तो दुनिया में लगता ही नहीं ना मुंबई पुलिस को। इन्हीं महेश भट्ट की बहुत प्यारी और गोदी में खेलने वाली बच्ची थी रिया चक्रवर्ती, जिनको पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि कैसे कनेक्ट है भट्ट फैमिली और बड़े बड़े लोग, लेकिन अब सिर्फ रिया चक्रवर्ती के ऊपर शक की सुई है क्योंकि सबसे ज्यादा खास वही थी, सबसे ज्यादा खास वही थी। और जैसे आर्मी की लैंग्वेज में, सीक्रेट सर्विस की लैंग्वेज में कहा जाता है ना हनी ट्रैप, ये हनी ट्रैप का मामला है। लड़का अकेला था, काफी हैंडसम था, पैसा था, गुड लुकिंग, हीरो, चार्मिंग, बढ़िया पर्सनैलिटी, टैलेंटेड। वो हेरा फेरी का डायलॉग ना, लड़की का चक्कर, औरत का चक्कर, बाबू भैया बहुत बर्बाद हुए हैं। विष कन्याएं होती थी पहले के जमाने में, विष कन्याएं अपनी खूबसूरती के जाल में बड़े बड़े राजाओं को फंसा लेती थी और उनका राजपाट सब बर्बाद कर देती थी। ऐसी ही एक विष कन्या तैयार की गई है रिया चक्रवर्ती के नाम से, जिसने न सिर्फ सुशांत बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। और मुंबई पुलिस जो कि बहुत एफिशिएंट है, एक महीना लगा था मुंबई पुलिस को ये साबित करने में, पता करने में कि रिया जो है वो सुशांत का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर रही है। वाह। सुशांत के पिताजी ने कहा कि उसके कोटक महिंद्रा वाले बैंक अकाउंट से तकरीबन 17 करोड़ के ट्रांसफर्स, लेन देन सुशांत के अकाउंट से रिया ने किए हैं और अपने क्लोज्ड वंस के अकाउंट में वो पैसा शिफ्ट किया है, ट्रांसफर किया है। ये सब बातें पिछले एक महीने से मुंबई पुलिस क्यों दबा के बैठी थी? क्या जानबूझकर इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते थे या फिर किसी का ऑर्डर था कि नहीं उधर मत जाओ? बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए सोशल मीडिया पे जहां पर यह साबित हो चुका था कि सुशांत के जो सबसे नजदीकी लोग हैं उन्होंने ही इस करतूत को अंजाम दिया है, लेकिन 40 दिनों से मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही। कभी भंसाली को, कभी शानू शर्मा को, अलग अलग एंगल टटोल रही है। भैया बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा वाला सीन था, उसके दोस्तों से कोई इंटरोगेशन, कोई पूछताछ, कुछ नहीं, किसी की कॉल रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं निकाले जा रहे। कहने को भंसाली से 8 घंटे पूछताछ हुई है, महेश भट्ट से 2-4 घंटे, हमें क्या पता इन्वेस्टिगेशन हुई भी है या नहीं। पता चला अंदर जाके, अरे भट्ट साहब बैठो ना, चाय वगैरह लोगे कुछ? क्या है अभी मीडिया का, पब्लिक का बहुत प्रेशर है भट्ट साहब, बैठो इधर 2 घंटा, क्या पबजी खेलना है, वाईफाई चाहिए, हमें क्या पता अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
शायद यही वजह है कि सुशांत के पिताजी को भी अब ये लग चुका है कि भैया मुंबई पुलिस तुमसे हो ना पाएगा, इसीलिए उन्होंने पटना में एफआईआर की है और उस एफआईआर में 420 से लेकर आत्महत्या करने के लिए उकसाने तक के आरोप भी लगाए हैं। ना सिर्फ एफआईआर बल्कि बहुत सारे चौंकाने वाली चीजें जैसे कि पैसों का ट्रांसफर, करोड़ों रुपए का ट्रांसफर सुशांत को पूरी चक्रवर्ती फैमिली और उनके जो खास लोग हैं वो यू नो पूरी तरह से अपनी कठपुतली बना चुके थे। अपने आसपास का सुशांत का जितना भी स्टाफ था वो पूरा बदल दिया, सुशांत के भरोसेमंद लोगों को निकाल दिया और खुद के लोगों को उसके घर में जमा दिया। जब आपके आसपास आपको बर्बाद करने वाले लोग हों, 2400 घंटे आपके दिमाग में ये फितूर डाला जाए तू पागल है, तू घर में भूत प्रेत है, ये है वो है, तो फिर बंदा टूट जाता है भाई। जब आपके आसपास ऐसे 7-8 लोग इकट्ठे हो जाएं जो आपको बर्बाद करना चाहते, और यहाँ पर मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन ये वशीकरण जैसी चीज़ें, अभी भूत प्रेत का एंगल डाल दिया तो फिर वशीकरण, काला जादू, टोटका, ये सब कुछ हो सकता है भाई। इस एंगल के ऊपर यू नो पहले तो इग्नोर किया गया लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, टोटका करवाना या काला जादू कर देना, तो पुलिस ने इस एंगल पे तो ध्यान कभी दिया ही नहीं। अच्छा खासा उसका बढ़िया जो फ्लैट था वो छोड़कर उसे एक रिजॉर्ट में डाला गया, फिर बेंड्रा वाले फ्लैट में ले आए जहाँ उसके जो क्लोज्ड वंस थे, भरोसेमंद लोग थे, उन्हें हटवा दिया गया, उसके सिम नंबर बदलवा दिए गए, नए नए सिम नंबर दे दिए गए और दिमाग में ये पागलपन का फितूर डाल दिया गया कि तू पागल है, तू पागल है, हम मैं तेरे डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दूंगी। मुंबई पुलिस ने कभी भी ये इस एंगल की तरफ ध्यान दिया ही नहीं कि अगर डिप्रेशन का उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, जैसे कि सुशांत के पिताजी ने सवाल भी उठाया कि हम उसके पेरेंट्स थे, फैमिली थी, तो ये डॉक्टरों ने हमसे वो कंसेंट फॉर्म साइन क्यों नहीं करवाया, हमें क्यों नहीं बताया, क्योंकि फैमिली तो हम थे। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं, पैसों के करोड़ों के ट्रांजेक्शन कभी मुंबई पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जो स्टाफ था वो क्यों निकलवाया गया, रिया क्यों चली गई, वो कागजात लेकर के, लैपटॉप, कंप्यूटर, एटीएम पिन, मुंबई पुलिस ने 40 दिनों में कुछ नहीं किया, बस नॉर्मल क्वेश्चन आंसर किए गए और कुछ नहीं। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि मुंबई पुलिस से तो कुछ हो ना पाएगा, एफआईआर बिहार में भी हुई है तो डेफिनेटली अब ये केस सीबीआई के तरफ जाएगा। और अब मुझे लग रहा है कि ये जो रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली, ये सिर्फ पपेट है, ये सिर्फ प्यादे हैं, रियल मास्टरमाइंड कौन है उस तक कानून के हाथ जरूर पहुंचना चाहिए। मैं नहीं समझ रहा कि रिया में इतना दिमाग होगा, वो तो खुद ही एक थर्ड क्लास सी ग्रेड एक्ट्रेस है, उसके पहले वो महेश भट्ट के साथ जलेबी कर चुकी, महेश भट्ट की गोदी में खेलती रही है। अब रिया के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आएंगे, भाई ऐसे ऐसे वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, वुमन कार्ड खेला जाएगा। और जब रिया ने अमित शाह से रिक्वेस्ट की थी वो सीबीआई की, तब मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि एक महीने के बाद मैडम की नींद खुली है, वो भी डैमेज कंट्रोल के लिए, इमेज करेक्शन के लिए, सोच रही थी कि हम अच्छे बनने की एक्टिंग कर लेंगे, लेकिन नहीं, सुशांत के पिताजी ने बहुत ही मच नीडेड स्टेप लिया है जो कि आई थिंक एक महीने बाद ले लेना था, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है। अब मेरी तो एक ही दिली कामना है कि ये केस जल्द से जल्द सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि जितना लेट होगा मुंबई पुलिस बचे खुचे सबूत जो थोड़े बहुत अगर बचे भी होंगे तो वो सब नष्ट भ्रष्ट करवा दिए जाएंगे। भाई ये लोग कुछ भी हो सकता है, इधर पैसा फेंको, नकली कॉल रिकॉर्ड वगैरह बन जाए, बहुत लोग बिक जाते हैं भाई। जैसे कि मैंने कहा, रिया के सपोर्ट में पूरी एक लॉबी खड़ी हो जाएगी, आप देखते जाइए। मुंबई पुलिस इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखा रही थी रिया और उनकी जो पूरी मंडली है, उनके जो खास हम खास लोग हैं। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन इस केस में हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि पावरफुल लोगों के लिए कानून अलग होता है। यहीं अगर कोई पॉकेट मार या किसी ने चेन स्निचिंग की होती या किसी लड़की को छेड़ा होता तो पुलिस वाले डंडे मार मार के खाल उतार देते उसकी, लेकिन ये पावरफुल लोग हैं तो बस चाय पानी करके निकाल देते हैं। 40 दिन से यही चल रहा है, बड़े वाले झोल हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। तो वीडियो खत्म करता हूँ, कमेंट करके बताएं आप अपने ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें सभी दोस्तों के साथ, एंड कमेंट करें आपके ओपिनियन, एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएसके डॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।